यस मैम, प्लीज स्टार्ट। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं प्रीति। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जनरली इज यूज फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोर देन थ्योरेटिकल राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जून का सेल्स रिपोर्ट कमर्शियल व्हीकल्स का। यू कैन सी अ लाइन ग्राफ एज वेल एज अ बार ग्राफ। वी आर नॉट गोइंग टू गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दीज स्लाइड्स, यू जस्ट सी हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड एंड वेन इट इज यूज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज अ स्कोर बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड कप 1993, आई सपोज, व्हेन इंडिया वन द वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। यू कैन सी देर आर अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हियर। व्हेन समबडी विल आस्क यू रन रेट क्या है, यू कैन इजीली कैलकुलेट। आपको सबको पता होता है कि इतने बॉल्स हैं, इतना रन्स है, इतना चाहिए, ये बॉलिंग रेट क्या चल रहा है, स्ट्राइक रेट क्या चल रहा है। आप तो कभी एग्जाम नहीं दिए हो, यू हैव नॉट स्टडीड ऑल दिस इन स्कूल, बट स्टिल यू कैन मेक आउट। ये जो पूरा का पूरा टेबल है, इसको आप पूरा अच्छी तरह समझ जाते हैं, सारे नंबर्स आपको अच्छे लगते हैं, सब कुछ समझ में आते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट इन द पर्टिकुलर थिंग। दिस पर्टिकुलर चार्ट इज फुल ऑफ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूली। नेक्स्ट, स्टॉक टॉक, ऑल ऑफ यू हु इन्वेस्ट अलॉट इन योर शेयर मार्केट, ये जो इकोनॉमिक्स के चार्ट्स होते हैं, ये भी जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है, भले ही उसको स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ नहीं है, बट स्टिल ही कैन मेक आउट दिस चार्ट्स कि कौन सा शेयर का प्राइस गिर रहा है, कौन सा चढ़ रहा है, कैसे हो रहा है। सो दिस इज अ टेबुलर एज वेल एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट, नाउ दीज आर द टू ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वन इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, द अदर इज कॉल्ड एज इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ जो डेटा हमारा जमा किया है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं टेबुलर फॉर्म में या डिस्प्ले करते हैं, जैसे ग्राफ्स हमने दिखाए अभी। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि हम लोग जो भी हमारा डेटा है उस पर कुछ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगा के और हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, इन्फेरेंसेस निकालते हैं। हमें ये बात ध्यान रखनी होगी क्योंकि हम स्टडी तो करना चाहते हैं पॉपुलेशन, लेकिन हम कर रहे होते हैं सैंपल। तो जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे सैंपल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के, वो हम यूज करते हैं पॉपुलेशन डिस्क्राइब करने के लिए। सो दीज आर द टू ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, हमने देखा वेरिएबल वर्ड, जो भी चीज बदलती है, वेरी करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, आई हैव पुट सम ऑन द स्लाइड। आप लोगों ने शायद डाउनलोड किया होगा ये पीपीटी, मैम ने डाला हुआ है मूवल पे। नहीं किया होगा तो आप लोग कर लेंगे बेटा, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वो मैं रिपीट नहीं करूंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 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 आगे चलते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एज यू ऑल नो, सैंपल इज अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन। नेक्स्ट, अभी ये हम लोग देख लेंगे एक बार अच्छे से ग्राफ्स अलग अलग टाइप्स के। देखिए, अभी फर्स्ट है हिस्टोग्राम। आप देखेंगे हिस्टोग्राम में रेंज है नीचे, एक पॉइंट के लिए वो बार नहीं है, इट इज फ्रॉम पर्टिकुलर रेंज टू अ पर्टिकुलर रेंज। उन बार्स के बीच में गैप नहीं है, रेक्टेंगल्स हैं, बार्स हैं, और वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और एक्स एक्सिस पे जो भी आपका वेरिएबल है वो दिया है। सो देर इज नो गैप बिटवीन द बार्स, दिस इज कॉल्ड एज अ हिस्टोग्राम। नेक्स्ट, ओगाइव कर्व एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। जैसे कि अगर राहुल द्रविड़ ने 10 रन बनाए हैं, सचिन तेंदुलकर ने 20 बनाए हैं, तो हम दोनों का मिला के बोलेंगे सेकेंड पॉइंट पे 25। वी वॉन्ट प्लॉट 10 अलग से, 15 अलग से, वी विल प्लॉट 10 फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग में वी विल प्लॉट 25, दोनों के मिला करके। सो ओगाइव इज अ क्यूमुलेटिव ग्राफ, जहाँ पे हम ऐड कर कर के वैल्यूज को डालेंगे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डेटा रहेगा आपका और वर्टिकल एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो रहेगी। नेक्स्ट,
डॉट प्लॉट में जैसे बार ग्राफ में हमको 10 दिखाना था, तो हम लोग पहले ही स्पेसिफाई कर देते हैं कि एक डॉट मतलब 10, फिर हम डॉट्स लगाते हैं, 4 डॉट मतलब 40, 10 डॉट मतलब 100, ऐसे करके नेक्स्ट। पाई चार्ट एवरीबडी नोज, पाई चार्ट की सिर्फ एक विशेषता है जो आपको ध्यान रखनी है कि एक पाई चार्ट एक ही वेरिएबल के लिए बना सकते हैं, हम दो वेरिएबल एक पाई चार्ट में नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, पिक्टोग्राफ भी बचपन में हम लोग पढ़ते थे, आपके बच्चे होंगे अगर किसी के, तो डेटा एनालिसिस का चैप्टर होता है उनका, डेटा हैंडलिंग का, उसमें जैसे कि एक आइसक्रीम कोन मतलब 5 आइसक्रीम, ऐसे बता के पिक्टोग्राफ हम लोग पिक्चर्स यूज करके डिपिक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम थोड़ा रुकते हैं और नोटबुक में थोड़ा लिखते हैं, आप लिखेंगे कोरिलेशन टॉपिक डालेंगे नोटबुक में, कोरिलेशन। कोरिलेशन टॉपिक लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे अ स्कैटर प्लॉट, अ स्कैटर डायग्राम इज प्लॉटेड, ये नाम ऊपर दिख रहा है एक स्क्रीन पे, अ स्कैटर डायग्राम इज प्लॉटेड टू शो द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू शो द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ब्रैकेट में लिखेंगे पॉजिटिव प्लस वीई ऐसे करके, पॉजिटिव कॉमा निगेटिव, कोरिलेशन मतलब पॉजिटिव भी रह सकता है निगेटिव भी रह सकता है। उसके नीचे लिखेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, एरो करके लिखेंगे, व्हेन बोथ द वेरिएबल्स, व्हेन बोथ द वेरिएबल्स इंक्रीज टुगेदर, व्हेन बोथ द वेरिएबल्स इंक्रीज टुगेदर और डिक्रीज टुगेदर, व्हेन बोथ द वेरिएबल्स इंक्रीज टुगेदर और डिक्रीज टुगेदर कॉमा इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हेन बोथ द वेरिएबल्स इंक्रीज टुगेदर और डिक्रीज टुगेदर इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। नीचे लिखेंगे व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस एंड द अदर डिक्रीजेस, व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस एंड द अदर डिक्रीजेस इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव कोरिलेशन, व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस एंड द अदर डिक्रीजेस इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये स्कैटर प्लॉट देखेंगे स्क्रीन पे बेटा, स्कैटर प्लॉट में दोनों तरफ वेरिएबल्स की वैल्यूज होती हैं, एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर उनके बीच में पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और हम देखते हैं कि पॉइंट्स नज़दीक नज़दीक हैं क्या, ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्या, नीचे की तरफ जा रहे हैं क्या, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोरिलेशन कैसा है, वो भी आगे आएगा स्लाइड पे। नेक्स्ट, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम लोग प्लॉट करते हैं, टॉप व्यू देखते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, तो एक तरह का हमें बॉक्स प्लॉट मिलता है। बॉक्स प्लॉट में आप देखेंगे कि जो पहली वाली लाइन दिख रही है आपको, वो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, फिर सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, ऐसे वो वर्टिकल लाइंस होती हैं। आपको ये डिटेल में स्टडी नहीं करना है, बस इस तरह के ग्राफ को बॉक्स प्लॉट कहते हैं, जहाँ बॉक्स बीच में होता है और उसके दोनों साइड्स में ऐसे होती है, इनको बोला जाता है मूछें, विस्कर। तो दिस प्लॉट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। नेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए इस प्लॉट में आपको ना कुछ नंबर्स बाहर की तरफ दिख रहे हैं, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं नीचे डायग्राम के बाजू में, इनको बोला जाता है आउटलायर। आउटलायर का मतलब ये है कि अगर सपोज हमारे ग्रुप में हम एज देख रहे हैं, सारे लोगों की एज 25 से 30 के बीच में है, हमारा सपोज एवरेज आ गया 28 एवरेज एज, अभी एक हमने सिर्फ इसमें एक रिटायर्ड प्रोफेसर पीएचडी करना चाह रहे थे उनको इंक्लूड किया, उनकी एज है 70, जैसे ही हमने उनको इंक्लूड किया तो हमारा 28 से बढ़ गया मीन, तो सिर्फ एक वैल्यू की वजह से हमारा पूरे ग्रुप का मीन जो है वो चेंज हो गया, तो इसको कहते हैं एक बहुत ही एक्सट्रीम छोटी या एक्सट्रीम बड़ी वैल्यू जो पूरे वैल्यू से बिल्कुल अलग है, उसको कहा जाता है आउटलायर। तो ये डायग्राम क्या करता है, हमें वो आउटलायर्स अलग करके बता देता है कि हमारे अगर हमने एक्सेल शीट में 500 लोगों का डेटा भरा है, तो कौन से नंबर का डेटा अलग जा रहा है,
नेक्स्ट आउटलायर का तो मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट ये भी हमने देख लिया, नेक्स्ट 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 बेटा ये जितने फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको इस एग्जाम के लिए, ना तो इनको याद करना है ना इन पे कोई बेस न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन मैं जब पीपीटी बनाती हूँ टाइम मेक इट अ वेरी डिटेल्ड पीपीटी, ताकि कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको पढ़ने के लिए मटेरियल मिलना चाहिए। दिस कुड हैव बीन अ वेरी स्मॉल पीपीटी एज वेल, लेकिन अगर कोई जानना चाहता है, ज़्यादा पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए पूरा पीपीटी है, लेकिन कोई भी फॉर्मूले और फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम के लिए नहीं होंगे। नेक्स्ट 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 अभी ये वाली स्लाइड पे हम लोग थोड़ा टाइम देंगे और ध्यान से देखेंगे। जो सबसे बीच वाला दिख रहा है बेटा आपको, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आप देखेंगे कि वो दोनों तरफ में उसकी पूंछे हैं, वी कॉल देम टेल्स। यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, मैम एरो दिखा रही है आपको, आप ध्यान से देखिए। दीज आर कॉल्ड एज टू टेल्ड, और हमने स्क्यूनेस पढ़ा था कि या तो पीक जो है वो लेफ्ट में चला जाएगा या राइट में चला जाएगा। जैसे ही पीक शिफ्ट हो रहा है, देखिए लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है या राइट में शिफ्ट हो रहा है, तो जो टेल थी वो एक ही बच रही है, देर इज ओनली वन टेल। यहाँ पे एक है और इधर के डायग्राम में भी देखेंगे आप एक है। अब हमको स्टैटिस्टिक्स में बेटा एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमारे लिए जो पीक वाला रीजन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो टेल वाला रीजन है वो इम्पोर्टेंट है। टेल मतलब एरर होता है, एरर उसी रीजन को हम क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं या रिजेक्शन रीजन भी बोलते हैं। तो एरर रीजन इज द सेम एज क्रिटिकल रीजन, इज द सेम एज रिजेक्शन रीजन, वो टेल का रीजन होता है। तो हम देखते हैं कि टेल किस तरफ है। अगर हम नीचे की लाइन को नंबर लाइन ट्रीट करते हैं, तो पहले डायग्राम में देखिए टेल जो है आपकी वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, मतलब लेस देन जीरो के साइड पे है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं निगेटिवली स्क्यूड। हम इसको बोलते हैं निगेटिवली स्क्यूड क्योंकि हमारी जो टेल है वो निगेटिव साइड में है, और जो दूसरा डायग्राम है उसमें हमारी जो टेल है वो पॉजिटिव साइड में है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। तो राइट साइड में अगर टेल होता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा इस पे एमसीक्यू जरूर आता है, अगर टेल राइट साइड में है, इफ द टेल इज ऑन द राइट साइड इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व, इफ द टेल इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज कॉल्ड अ निगेटिवली स्क्यूड कर्व। और स्क्यूड अगर है, मतलब लेस देन जीरो का साइन है या मोर देन जीरो का साइन है, तो बेटा एक ही टेल रहेगा, इसीलिए हमने सबसे पहले हाइपोथेसिस के समय लिखा था वन टेल्ड टेस्ट, क्योंकि एक ही पूंछ बचती है। और डायरेक्शन हमको समझ में आ जाती है कि नंबर लाइन पे डेटा किस तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, क्योंकि डायरेक्शन समझ में आ रही है, एक ही टेल बच रहा है, इसलिए इट इज कॉल्ड अ वन टेल्ड टेस्ट। यहाँ कोई दिक्कत है क्या बेटा इस डायग्राम पे किसी को? ये नो डायग्राम को देखिए ध्यान से, कोई भी परेशानी है तो आप आराम से पूछ लीजिए। नो नो डाउट, हम एक बार नो फिर डाउट मैम, पूछ, क्लियर। नो डाउट वी कैन गो अहेड, थैंक यू। नेक्स्ट ये एक फॉर्मूला है बेटा स्क्यूनेस कैलकुलेट करने का, नीचे दिया है, लेकिन आप जब एक्सेल में करते हैं तो आपको मैनुअली नहीं करना है, एक्सेल अपने आप आपको दे देता है स्क्यूनेस का वैल्यू। नेक्स्ट अब ये कर्टोसिस है। कर्टोसिस में हमने क्या बोला था कि जो पीक है वो या तो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, लेकिन तीनों ही केसेस में आप देखेंगे कि दोनों टेल्स हैं, टेल कम नहीं हो रही है। तो तीनों ही केसेस में इट विल बी अ टू टेल्ड टेस्ट। ऊपर जब डेटा जाता है, पीक ऊपर जब जाता है, तो उसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक कर्व, और वो होता है पॉजिटिवली स्क्यू पॉजिटिव। लेप्टोकर्टिक मतलब ऊपर जा रहा है,
तो वो हुआ पॉजिटिव. बीच वाला हमारा मीजोकर्टिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कर्टोसिस इज जीरो. जब कर्टोसिस कम है, लेस देन जीरो है, तो नीचे बन जाता है, फ्लैट हो जाता है, एक प्लेट की तरह से. इट इज कॉल्ड अ प्लेटिकर्टिक कर्व. तो दिस इज अ निगेटिव कर्व. नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है कर्टोसिस कैलकुलेट करने का. अगेन आई रिपीट, फॉर्मूला लर्न करने का जरूरत नहीं है, एक्सेल में अपने आप आपको डेट मिल जाता है वैल्यू. नेक्स्ट, यहाँ फिर से ध्यान से देखेंगे, टेल पॉजिटिव साइड में है इसलिए पॉजिटिव स्क्यूड, टेल निगेटिव साइड में है इसलिए निगेटिवली स्क्यूड, और नीचे कर्टोसिस वाला है. कर्टोसिस को एक और वर्ड बोला है डिग्री ऑफ पीकेडनेस, मतलब पीक कितना ऊंचा या नीचा है, तो उसको बोलते हैं कर्टोसिस. कितना डिग्री ऊपर है या कितना डिग्री नीचे है, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पीकेडनेस. नेक्स्ट, हाइपोथेसिस देखिए हमने पूरा लिखा है, लेकिन एक बार रिपीट में बता देती हूँ. नल मतलब H0, ऑल्टरनेट मतलब H1. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में या तो इक्वल, ये लेस देन का साइन रहेगा या मोर देन का. नॉन डायरेक्शनल में या तो इक्वल का साइन रहेगा या नॉट इक्वल का. वन टेल्ड अगेन लेस देन या मोर देन. टू टेल्ड अगेन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू. इसका मतलब नॉन डायरेक्शनल अगर है तो टू टेल्ड है, डायरेक्शनल है तो वन टेल्ड है. नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी नोटबुक में लिखेंगे. टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर. टाइप वन एरर सेंटेंस लिखेंगे, टाइप वन एरर इज डिनोटेड बाय अल्फा. टाइप वन एरर इज डिनोटेड बाय अल्फा. उसके नीचे लिखेंगे टाइप वन एरर ऑकर्स व्हेन. टाइप वन एरर ऑकर्स व्हेन, ऑकर्स व्हेन अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. टाइप वन एरर ऑकर्स व्हेन अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. फिर लिखेंगे टाइप टू एरर. फिर टाइप टू एरर लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय बीटा. इट इज डिनोटेड बाय बीटा. उसमें लिखेंगे व्हेन अ फॉल्स हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड. व्हेन अ फॉल्स हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड कॉमा इट इज कॉल्ड अ टाइप टू एरर. व्हेन अ फॉल्स हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इट इज कॉल्ड अ टाइप टू एरर. लिखा आपने टाइप वन एरर मतलब व्हेन अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, और टाइप टू एरर मतलब व्हेन अ फॉल्स हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड. ये दो तो सेंटेंस हो गए स्टैटिस्टिकली. अभी टाइप वन एरर टाइप टू एरर का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेके बताती हूँ, ताकि ये एरर्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाए. सपोज एक फोन है, आपकी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको नया एक बहुत महंगा वाला फोन लॉन्च करना है मार्केट में, लेकिन आप चाह रहे हो कि पहले लॉन्च करने से पहले हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन देख लें कि कस्टमर को सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, या कोई फीचर्स और चेंज करना है, क्योंकि बहुत पैसा लग जाएगा अगर हम बिना कस्टमर सेटिस्फेक्शन को जाने ही हुए अगर लॉन्च कर देंगे. तो आपने क्या करा, आपने कुछ कस्टमर्स को चूज किया जो आपके डेडिकेटेड लॉयल कस्टमर्स थे, और उनको मोबाइल फोन दिया. पहला केस, आपका मोबाइल फोन बहुत अच्छा था और कस्टमर ने भी बहुत अच्छा बोला और आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली. फर्स्ट केस. सेकंड केस ध्यान से सुनेंगे, मोबाइल आपका बहुत अच्छा था लेकिन जिस कस्टमर को दिया उसका फीडबैक आया कि अच्छा नहीं है, तो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फिर से भेज दिया कि देखो भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें. फिर उसके बाद में थर्ड केस, कि जब मोबाइल तो अच्छा नहीं था लेकिन कस्टमर ने बोल दिया कि अच्छा है,
और हमने मैन्युफैक्चरिंग कर ली। फोर्थ केस, कस्टमर ने बोला अच्छा नहीं है मोबाइल, वाकई में अच्छा नहीं था और हमने उनको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी। अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा गड़बड़ कब हुई, आपका लॉस कब होगा सबसे ज्यादा, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। थर्ड अच्छा इसमें, नहीं था, फिर भी बोला कि अच्छा है और आपने हाँ मैन्युफैक्चर थर्ड कर दिया। इसमें कि नहीं था अच्छा, फिर भी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया था। और किसी का कोई आंसर है? आपको समझा क्या बेटा? और किसी को कोई आंसर देना है? ठीक है, तो जब मोबाइल जो एक्चुअली अच्छा, हाँ बोलिए। ओके, जब मोबाइल एक्चुअली में अच्छा नहीं था लेकिन कस्टमर्स ने बोल दिया अच्छा है और आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, मार्केट में आ गया, तो फिर आपके एक तो पैसों का भी लॉस हुआ बहुत ज्यादा, कस्टमर फीडबैक गड़बड़ आया, आपके ब्रांड इमेज खराब हुई, वो तो हो गया टाइप वन एरर। दूसरा ऐसा कि जब मोबाइल अच्छा था लेकिन कस्टमर ने बोल दिया कि अच्छा नहीं है, तो उसके बाद में क्या होगा कि आपने तो R&D में डाल दिया जबकि आपका मोबाइल तो बहुत अच्छा था, तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई, आपके कोई और कंपेटिटर उसको लेके निकल जाएगा मार्केट में, तो आपका समय चला गया। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में क्या होता है, समय भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हो गया आपका टाइप टू एरर। एनीवेज, इतना डिटेल में अभी आपको जाना नहीं है, आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लेन, गिव यू एन इनसाइट इन दिस एरर्स। अभी वर्ड लिखेंगे अपने कॉपी में, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसके नीचे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। द वैल्यू इज जनरली अज्यूम्ड, द वैल्यू इज जनरली अज्यूम्ड टू बी 0.05, द वैल्यू इज जनरली अज्यूम्ड टू बी 0.05। द वैल्यू इज जनरली अज्यूम्ड टू बी 0.05। थर्ड सेंटेंस लिखेंगे इट इज एन एरर, इट इज एन एरर, EOOR, इट इज एन एरर अज्यूम्ड बाय द रिसर्चर, अज्यूम्ड बाय द रिसर्चर, इट इज एन एरर अज्यूम्ड बाय द रिसर्चर। मतलब हम अपने रिसर्च में पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसकी वजह से 5% एरर होने वाला है या 10% एरर डेटा में होने वाला है, एनालिसिस में होने वाला है। सो वी प्री अज्यूम, वो जो प्री अज्यूम कर रहे हैं उसको डिनोट करते हैं अल्फा से, वो और कुछ नहीं एरर है, और उसको कहा जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको अगर स्टैटिस्टिकल टर्म्स में बोलें तो हम बोलते हैं कि अगर हम 100 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि 5 बार गलत हो जाएगा, 95 बार करेक्ट आएगा। तो अगर हमने एरर अज्यूम किया है 5%, तो हम कितने समय कॉन्फिडेंट है कि करेक्ट होगा, सोच के आंसर दीजिए। अगर हमने एरर 5% अज्यूम किया है तो करेक्ट कितने बार होगा? 95 नाइन्टी फाइव टाइम्स टाइम्स परफेक्ट। अगर हमने 2 बार बोला ये गलत होएगा तो करेक्ट कितने बार होएगा? 98 98। 98 अगर हम बोल रहे हैं कि कोई एरर नहीं, इट इज जीरो एरर, तो हाउ मेनी टाइम्स इज इट गोइंग टू बी करेक्ट? 100% 100% एवरी टाइम। परफेक्ट जी। तो अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 0.05 है तो आपका कॉन्फिडेंस कितना होगा? 0.95। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्लस कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू 1। अभी आप लिखिए मत, सिर्फ ध्यान में रखिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आपका 10 है तो कॉन्फिडेंस होगा 90, अगर नंबर्स में लिखेंगे तो 0.1, सॉरी 0.01 और 0. नहीं नहीं ठीक है, 0.1 और 0.9, ऐसे करके ये होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये दो वर्ड देखिए, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक, हम मीन की बात कर रहे हैं। अगर हम सैंपल का मीन ले रहे हैं तो हम लिखते हैं एक्स बार, अगर हम पॉपुलेशन का मीन ले रहे हैं तो हम लिखते हैं म्यू, अगर हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं एस,
अगर हम पॉपुलेशन का डेविएशन लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं सिग्मा। तो ये अलग अलग नोटेशन यूज होते हैं। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, जितने भी बच्चे अपने थीसिस में स्टैटिस्टिक्स यूज करने वाले हैं, हाइपोथेसिस बनाने वाले हैं, एक बार ध्यान से ये बात ध्यान रखिए कि हम हाइपोथेसिस में कभी भी एक्स बार या एस यूज नहीं करते हैं। हम हाइपोथेसिस में हमेशा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, मतलब म्यू लिखेंगे। लेकिन सॉल्व करते वक्त हम, क्योंकि सैंपल लेते हैं इसलिए सॉल्व करते वक्त हम सैंपल के नोटेशंस लेंगे एक्स बार, लेकिन आंसर लिखते वक्त, कंक्लूजन लिखते वक्त फिर से हम लिखेंगे म्यू, बिकॉज वी आर राइटिंग फॉर द पॉपुलेशन। इसीलिए कई बार हमको रिसर्च पेपर्स में कहीं म्यू लिखा दिखता है, कहीं एक्स लिखा दिखता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग अ सैंपल एंड कैलकुलेटिंग। कैलकुलेशन के समय एक्स बार, हाइपोथेसिस और कंक्लूजन के समय म्यू। होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी देखिए बेटा, आपके पास एक्सेल रहता है, अभी तो मेरे पास स्क्रीन नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। शायद प्रीति मैम आपको बाद में एक बार दिखा देंगे, या शायद और भी कोई दिखाएगा आपको, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो हम देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल में से स्कोर डाल देते हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है टेबल, हमने सारी वैल्यूज एंटर कर दी। फिर हम डेटा एनालिसिस के टैब पे जाते हैं, वहाँ क्लिक करते हैं, वहाँ हमको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मिलता है। हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करते हैं तो हमको ये टेबल मिल जाता है, जिसमें देखिए आपको मीन मिल गया, स्टैंडर्ड एरर मिल गया, मीडियन मिल गया, मोड मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस, कर्टोसिस, क्यूनेस, रेंज, आपको देखिए सारी चीजें मिल गई। दिस यू गेट एक क्लिक पे, एक सेकंड में आपको ये टेबल मिल जाता है। आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना होता है, एवरीथिंग यू गेट हियर लाइक दिस। नेक्स्ट स्कैटर प्लॉट मैंने अभी समझाया आपको। नेक्स्ट ये ध्यान से देखेंगे, अभी आप देखो साइड वाले में लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर रिलेशनशिप लिखा है, राइट हैंड साइड में कर्व ही लीनियर लिखा है। जरूर नहीं है हर बार लाइन इक्वेशन ही बनेगा, आपका कर्व भी हो सकता है, पैराबोला, इलेप्टिकल, कुछ भी हो सकता है। अभी ऊपर वाले डायग्राम में देखिए पॉइंट्स थोड़े दूर दूर है, मतलब वीक कोरिलेशन है। नीचे वाले में देखिए थोड़े नजदीक नजदीक है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ऊपर वाले में पॉइंट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन है। नीचे वाले में पॉइंट नीचे की तरफ उतर रहे हैं, निगेटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे और क्लियरली बताया है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब देखिए वो जो ब्रेथ है उस पट्टी का जिसमें वो पॉइंट है वो कम है, जितना कम रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जितना बिखरा हुआ रहेगा उतना वीक रिलेशनशिप। परफेक्ट रिलेशनशिप मतलब जहाँ कोरिलेशन की वैल्यू 1 है वहाँ सारे पॉइंट्स एक लाइन पे आ जाएंगे, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए देयर इज नो कोरिलेशन, पूरे हैफजर्ड पॉइंट से कोई ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मोस्टली हॉरिजॉन्टल, इसलिए वी कॉल देयर इज नो कोरिलेशन। नेक्स्ट ये आपको डायग्राम्स ऐसे एक्सेल में दिख जाएंगे, इफ यू प्लॉट यू कैन प्लॉट स्कैटर प्लॉट एंड यू विल गेट अ लाइन ग्राफ लाइक दिस। नेक्स्ट नेक्स्ट रिग्रेशन हम नहीं कवर कर रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए भी नहीं है। नेक्स्ट रिग्रेशन की स्लाइड सारी आगे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट 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 ठीक है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बोला, जैसे अभी आपने डेटा को डिस्क्राइब कर दिया, फिर हमने कैलकुलेट किया वैल्यूज, आंसर्स आए, इन्फरेंसेस ड्रॉ किए, पॉपुलेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट ये हमने लिखा अभी अभी, कंपेयरिंग मीन्स और कॉज एंड इफेक्ट स्टडी, टू टाइप्स के रिसर्च क्वेश्चंस, इसको एक बार और देख लेंगे। नेक्स्ट अगर हम दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हमने केस वन देखा था, जहां स्टैंडर्ड मीन मतलब पॉपुलेशन मीन आपके पास में है, आप सैंपल मीन से कंपेयर कर रहे हो, इसीलिए उसका नाम हुआ वन सैंपल टी टेस्ट। केस टू में हमने सैंपल वन का मीन लिया वर्सेस सैंपल टू का मीन लिया, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं सैंपल टू सैंपल टी टेस्ट या इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। थर्ड केस जो हमारा हुआ उसमें हमने एक ही सैंपल लिया, लेकिन एक या तो एक्सपेरिमेंट के पहले और बाद में, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं पेड सैंपल टी टेस्ट या फिर प्री पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। नेक्स्ट अब ये बेटा एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आप पढ़ेंगे ध्यान से और मुझे बताएंगे उन तीनों टेस्ट में से यहाँ कौन सा टेस्ट लगेगा। तब तक मैं अपना माइक म्यूट कर रही हूँ।
कोई बताएगा मुझे कौन सा टेस्ट लगेगा? वन इंडिपेंडेंट टी सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी इंडिपेंडेंट टेस्ट, सैंपल टी टेस्ट। सैंपल टी टेस्ट। परफेक्ट। और किसी को अगर नहीं समझ में आया है तो वो भी पूछ सकता है बेटा, जरूरी नहीं है किसी ने आंसर दे दिया आपको नहीं समझा है तो आप नहीं पूछेंगे, आप पूछ लीजिए मुझे नहीं समझा है तो। कर दीजिए। हाँ जी कृष्णप्रिया बोलिए। फिल कर दीजिए, समझा दीजिए। बेटा टू सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है कि दो अलग अलग सैंपल्स होते हैं जिनको हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ देखिए ओल्ड पीपल अलग हो गए और यंग पीपल अलग हो गए, तो इस वजह से हमारे पास दो अलग अलग सैंपल्स हो गए। जब अलग अलग सैंपल्स हुए तो हमने टू सैंपल टी टेस्ट या इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट बोल दिया। ठीक है अभी? यस मैम। अच्छा अभी थैंक नोटबुक में लिखेंगे, न्यूमेरिकल वन लिखो आप नोटबुक में, मैं छोटी छोटी चीजें आपको समझा देती हूँ लिखवाते वक्त। लिखेंगे न्यूमेरिकल वन, उसके नीचे लिखेंगे टेस्ट, टेस्ट के सामने एरो करके लिखेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या तो फिर टू सैंपल टी टेस्ट, कोई भी लिख सकते हो आप। उसके नीचे लिखेंगे नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस कॉमा एच जीरो, उसके सामने दो डॉट, नल हाइपोथेसिस कॉमा एच जीरो कोलॉन, सामने लिखेंगे मीन ब्रैकेट में लिखेंगे ओल्ड, मीन ओल्ड ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू मीन ब्रैकेट में यंग, मीन ओल्ड इज इक्वल टू मीन यंग, ये आपका नल हाइपोथेसिस हो गया। काय का मीन निकाल रहे हैं हम लाइफ सेटिस्फैक्शन स्कोर का, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि ओल्ड और यंग पीपल में लाइफ सेटिस्फैक्शन स्कोर के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों भी इक्वल है, ये हम मान के चल रहे हैं। जब हम मान रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनेंगे बेटा और मुझे आंसर बताएंगे। अगर मीन ऑफ ओल्ड और मीन ऑफ यंग सेम है तो उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? अगर दोनों मीन सेम है तो उनका डिफरेंस कितना होगा? जीरो जीरो जीरो। परफेक्ट। तो अभी नीचे लिखिए मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस हाइपोथेसाइज, ये तो हाइपोथेसिस लिया है ना हमने, हमको नहीं मालूम एक्चुअली में कम है या ज्यादा है, तो लिखे मीन डिफरेंस हाइपोथेसाइज्ड, HYPOTHESIED हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस इज इक्वल टू का साइन दीजिए, लिखे जीरो, हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। उसके नीचे लिखे एन वन, स्मॉल एन छोटा एन वन, या एन ओल्ड लिखिए, एन ओल्ड सैंपल साइज कितना है ओल्ड पीपल का? सैंपल साइज कितना है बेटा? 10। तो लिखे एन ब्रैकेट में ओल्ड, एन ओल्ड इज इक्वल टू 10, और नीचे एन यंग, एन यंग कितना है? 10। 10। तो ये हो गया आपके सैंपल साइज, स्मॉल एन से हम क्या बता रहे हैं सैंपल साइज। उसके नीचे के लाइन में लिखे डिग्री ऑफ फ्रीडम, TEGRE डिग्री ऑफ फ्रीडम, FREDOM डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में लिखेंगे एन वन माइनस वन, एक ब्रैकेट में लिखेंगे एन वन माइनस वन ब्रैकेट कंप्लीट प्लस प्लस दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे एन टू माइनस वन ब्रैकेट कंप्लीट, एन वन माइनस वन प्लस एन टू माइनस वन। यहाँ हम दो बार ब्रैकेट इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि टू सैंपल टी टेस्ट है, दो सैंपल्स है, लेकिन वन सैंपल टी टेस्ट में एक ही सैंपल होता है, पेड सैंपल टी टेस्ट में भी एक ही सैंपल होता है, इसलिए वहां सिर्फ हम लोग एन माइनस वन लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि दो सैंपल्स है इसलिए हम लोग दो सैंपल्स का ले रहे हैं। तो मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैलकुलेट करके बताओ। जीरो है, ये क्या हो एटीन गया? एटीन 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 सॉरी 20 18 18 10 माइनस 1 प्लस 10 माइनस 1, हाँ 18 जी 18 मैम बिल्कुल 18 करेक्ट इज इक्वल टू 18 18 लिखें। ठीक है अब उसके नीचे लिखेंगे सिंस वी हैव टेकन नल हाइपोथेसिस, अच्छे से लिखो सिंस वी हैव टेकन नल हाइपोथेसिस कॉमा, नल हाइपोथेसिस में कौन सा साइन था? इक्वल, तो टू टेल्ड टेस्ट होगा या वन टेल्ड टेस्ट होगा?
इक्वल टू का साइन है तो टू टेल्ड होगा कि वन टेल्ड होगा? टू टेल्ड, टू टेल्ड लिखेंगे. सिंस वी हैव टेकन अ नल हाइपोथेसिस कॉमा वी टेक अ टू टेल्ड टेस्ट. वी यूज, लिखो वी यूज अ टू टेल्ड टेस्ट. सिंस वी हैव टेकन नल हाइपोथेसिस वी यूज अ टू टेल्ड टेस्ट फुल स्टॉप. नीचे के लाइन में लिखो वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी स्मॉल टी. We calculate the value of t and compare it with calculate कर लिया. दूसरा हमने देखा टेबल, तो पर इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो नीचे लिखेंगे. अभी इंटरप्रेट कैसे करेंगे तो नीचे लिखेंगे इफ इफ टेबल वैल्यू, इफ टेबल वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यू. टेबल वैल्यू को ही क्या बोला जाता है? क्रिटिकल वैल्यू. इफ टेबल वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यू इज लेस than the calculated value. If table value bracket में लिखेंगे critical value bracket complete is less than the calculated value then we reject the null hypothesis. Then we reject the null hypothesis. मैं पूरा repeat कर रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे. हम बोल रहे हैं कि हमने एक table का value लिया, एक calculate करके value लिया, और हम बोल रहे हैं अगर table value table का t कम है कैलकुलेटेड टी से तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं. नीचे लिखेंगे ऑल्सो ऑल्सो कॉमा स्मॉल पी, पी फॉर पैरेट लिखेंगे, पी फॉर पैरेट वाला पी, पी लेस देन का साइन देंगे अल्फा. ऑल्सो पी लेस देन का साइन अल्फा कॉमा वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. अब यहाँ पे p क्या है और अल्फा क्या है? तो अल्फा तो वो एरर है बेटा जो हम अज्यूम करके चले थे हमारे कैलकुलेशन के पहले ही, डेटा कलेक्ट करने के पहले ही अज्यूम कर लिया कि इतना एरर होने वाला है. उसके बाद हमने डेटा कलेक्ट करा, एनालाइज किया, एरर को कैलकुलेट किया. तो ये जो p है ये हमारा कैलकुलेटेड एरर है. अल्फा क्या है? अज्यूम्ड एरर है. p भी एरर ही है, उसको भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही बोलेंगे. नाम अलग नहीं है, लेकिन एक डेटा कलेक्शन के पहले का है, एक डेटा कलेक्शन के बाद का है. फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे. अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ पी अज्यूम्ड एरर से कम आती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे. ये दो रूल लिख लिए क्या बेटा आपने? सबने लिखे? प्लीज रिपीट करिए ना. बेटा मुझे याद ही नहीं होता मैंने क्या बोला है, कोई और को बताना पड़ेगा. फातिमा मैम प्लीज आप बताएंगे इनको क्या लास्ट सेंटेंस? Yes, ma'am. Also, if p is less than alpha, we reject null hypothesis. P इसमें calculated error है और alpha assumed error है. और calculated error. Yes, ma'am. That's okay. That much is enough. Okay. Okay. अभी हम लोग बेटा ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी ना ये समझ में ऐसे नहीं आती हैं, क्योंकि कोई ऐसे जादू की छड़ी थोड़ी ना है. मैंने बोल दिया आपके समझ में आ गया है ना. तो अभी हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इस एग्जाम्पल को स्क्रीन पे ही, और हम देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, एक बार हम देख लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. ये हमने डेटा ले लिया लाइफ सेटिस्फेक्शन स्कोर का, ओल्ड लोगों का लिख लिया, यंग लोगों का लिख लिया. अभी हमने इसको एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर दिया. नेक्स्ट एक्सेल पे हम लेके जाते हैं. फिर देखो ऊपर ना ऐसा डेटा एनालिसिस लिखा हुआ दिखता है. सबसे ऊपर देखो, नहीं पिछला ही स्लाइड, हाँ ये डेटा एनालिसिस ऐसा लिखा दिखता है. जब हम इस पे क्लिक करते हैं ना तो ये हमको ऑप्शन पूछता है टेस्ट का. तो हम टेस्ट का नाम हमने कौन सा सिलेक्ट किया देखो, उस बॉक्स में दिख रहा है टी टेस्ट टू सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरियंस. Assuming equal variance क्यों? क्योंकि हमने null hypothesis लिया mu1 is equal to mu2 वाला. फिर हम पहला वाला कॉलम को first variable में दे देंगे,
सेकेंड कॉलम को सेकेंड वेरिएबल में दे देंगे। फिर आप देखो हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस हमको जीरो टाइप करना है क्योंकि हमने पता किया कैसे जीरो आता है। फिर हमने लेबल्स में क्लिक किया क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर नाम लिखे हैं रो वन में, वहाँ पे नंबर नहीं है इसलिए हम लेबल्स को टिक करते हैं। फिर देखो अल्फा की वैल्यू हमने अज्यूम करी है 0.05। उसके बाद हमने आउटपुट के लिए एक सेल सिलेक्ट किया, उसको क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमें ये आंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे मीन का आंसर मिला, वेरिएंस का मिला, ऑब्जर्वेशंस मतलब सैम्पल साइज, पूल वेरिएंस, फिर हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस हमने जीरो लिखा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने 18 कैलकुलेट किया था वही 18 यहाँ आ गया, टी स्टैट TSTAT जो लिखा है उसका मतलब है कैलकुलेटेड फ्रॉम फॉर्मूला, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी। उसके नीचे देखेंगे पी की वैल्यू आई है 1 tailed, उसके नीचे टी क्रिटिकल मतलब टेबल में वैल्यू वो भी 1 tailed, फिर पी की वैल्यू 2 tailed की और क्रिटिकल वैल्यू 2 tailed की हमने लिखा है क्योंकि हमने हाइपोथेसिस नल अज्यूम किया है इसलिए हम 2 tailed की टेस्ट की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ देखो टी क्रिटिकल का 2 tailed का वैल्यू कितना दिया है, कौन बताएगा देख के, टी क्रिटिकल 2 tailed कितना दिया है? 2.10। जोर से बोलो बेटा, 2.10092। ठीक है हम राउंड ऑफ कर लेंगे उसको 2.101। और टी स्टार्ट का वैल्यू कितना है, टी कैलकुलेटेड का 4.257। ठीक है तो अभी नोटबुक में लिखेंगे सिंस, SINCE सिंस टी क्रिटिकल ब्रैकेट में लिखेंगे 2.101 ब्रैकेट कंप्लीट, सिंस टी क्रिटिकल ब्रैकेट में 2.101 ब्रैकेट कंप्लीट, फिर लेस देन का साइन देंगे आगे लिखेंगे टी स्टैट और ब्रैकेट में लिखेंगे 4.257 ब्रैकेट कंप्लीट, टी क्रिट ब्रैकेट में 2.101 फिर लेस देन का साइन टी स्टैट ब्रैकेट में 4.257 कॉमा, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमने क्या बोला था कि दोनों के लाइफ सेटिस्फैक्शन स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमारा ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया इसका मतलब कि डिफरेंस है। अभी डिफरेंस है तो किसका ज्यादा किसका कम, तो हम मीन्स पे आ जाएंगे। मीन देखो ओल्डर एडल्ट का दिया है 44.5 और यंगर का दिया है 28.1, तो हम इंटरप्रेट क्या करेंगे कि ओल्डर एडल्ट का लाइफ सेटिस्फैक्शन स्कोर ज्यादा है क्योंकि हमने प्रूव किया है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है। इसका मतलब जो एक्चुअल आंसर्स हमारे आए हैं वो करेक्ट हैं, ओल्डर एडल्ट का लाइफ सेटिस्फैक्शन का स्कोर ही ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड, ये फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का टी। नेक्स्ट, यहाँ बेटा मैंने कैसे लिखना चाहिए, ये जो हमने डिस्कस किया ना ये कैसे लिखना चाहिए ये मैंने पूरा 2 slide में आपको लिख के दिया है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए टी टेस्ट को आपको सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में। आपको क्या क्या पूछा जा सकता है कि टी टेस्ट पैरामेट्रिक है क्या, दूसरा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है टी टेस्ट का, तो 9n-1, एन क्या है तो सैम्पल साइज, फिर अगर टी क्रिटिकल की वैल्यू कम रहेगी तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे, तो अगर टी क्रिटिकल की वैल्यू कम है तो हम रिजेक्ट करेंगे। ये कुछ ही कंसेप्चुअल बातें ही आपको पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अभी ये प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ के बताइए इसमें कौन सा टी टेस्ट लगेगा। Paired. One sample t-test. One sample t-test. Paired sample t-test. Paired.
पेड सैंपल टी टेस्ट आई मीन पेयर सैंपल टी टेस्ट तीनू मैडम कहाँ गए? मैं हेलो, यही हूँ माधव। यस यस हेलो यस मैम। हाँ माधव, आप बताइए कि आपने वन सैंपल टी टेस्ट क्यों बोला बेटा? और भी दो तीन लोगों ने बोला, आप खेती का ये नहीं, मैं समझा दूंगी आपको, बताइए। मैडम मैंने वो विद एंड विदाउट इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन अच्छी तरह से पढ़ा नहीं था। आई गॉट इट अभी नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, अभी ठीक है ना? यस 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 मैम, नाउ इट इज क्लियर। ओके बेटा, तो पूजा आपने बोला था शायद पेड सैंपल टी टेस्ट। पूजा यस मैम। हाँ तो आप एक्सप्लेन करेंगे सबको कि क्यों बोला आपने पेड सैंपल? मैम क्योंकि विद मतलब पहले का एक कंडीशन आ रहा है जब टेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद विदाउट जब मतलब आफ्टर 10 मिनट पीरियड टाइम टेस्ट कर रहे हैं, तो दो हमारे पास सैंपल आ जाएंगे। आंसर आपका करेक्ट है। पहला एक ही सैंपल है हमारे पास, हमने पहले चूहों को लिया, उनको चॉकलेट चिप्स दे दिए खाने के लिए, हमने गिन लिए कितने खा रहे, फिर उनको इलेक्ट्रिकल शॉक दे दिया, उसके बाद में फिर से खाने के लिए दिए। तो एक हुआ प्री एक्सपेरिमेंट, एक हुआ पोस्ट एक्सपेरिमेंट, है ना? पहले तो हमने एक्सपेरिमेंट करा ही नहीं, पहले तो वैसे ही ले लिया, फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर से लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं प्री पोस्ट या पेड सैंपल। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। और किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं बचा बेटा? ठीक है, तो हम इसको No. अभी ना सोल्व वाला वो चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बिकॉज इट इज वन एंड द सेम थिंग। आपको मैं टेबल दिखा देती हूँ और हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा कोई बताएगा मेरे को, क्या कैलकुलेट करके? व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम हियर? आंसर बताइए। 10 रैट्स है हमारे पास, 10 चूहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 9। 9, परफेक्ट। एन माइनस 1, 9, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ देखिए, हमने ऊपर टेस्ट का नाम देखिए क्या सिलेक्ट किया है, बॉक्स में देखिए लिखा हुआ है टी टेस्ट पेड टू सैंपल फॉर मीन्स। तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स अलग अलग रो में ले लिए, यहाँ पे भी हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस 0, लेबल्स अल्फा की वैल्यू 0.05, फिर हमने आउटपुट कहाँ लेना है वो लिख दिया, और फिर क्लिक कर दिया ओके। तो अभी हमको आंसर्स मिल गए। आप यहाँ देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 9 लिखा है, टी क्रिटिकल का वैल्यू देखेंगे टी स्टैट, यहाँ भी हम 2 टेल्ड लेंगे। यहाँ देखो बेटा, जानबूझ के मैंने डाला है वैल्यू ऐसा, टी क्रिटिकल का वैल्यू ज्यादा आया है टी स्टैट से, टी क्रिटिकल का वैल्यू ज्यादा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे? ध्यान से बताइए। एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वेरी गुड। अंजलि पूजा दोनों ने करेक्ट आंसर दिया है, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा है, तो जब क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा होगा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, जब क्रिटिकल वैल्यू कम होगा तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड। ये फॉर्मूला है टी कैलकुलेट करने के लिए पेड सैंपल का। नेक्स्ट, ये हम लोग कैसे लिखते हैं वो हमने लिख के दिया है आपको। नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग अनोवा कल देखेंगे, अभी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने सुबह से पढ़ा। अभी बस हमारा अनोवा और काई स्क्वायर बचा है, वो कल हम पहले पढ़ लेंगे आधे घंटे में, उसके बाद एमसीक्यूज रिवाइज करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग से, अभी जिसको भी आंसर देना है, मैम आप पीपीटी बंद कर सकते हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसको भी आंसर आ रहा है वो फटाफट माइक अनम्यूट करके और बोलता जाएगा। तो हम लोग सारा जितना आज पढ़ा उतना रिवाइज कर लेंगे ताकि कल हमको दिक्कत ना हो। आर यू ऑल रेडी? हम लोग करें ऐसा? यस मैम। ठीक है, सबसे पहले बताइए, मैं आपको पूछती हूँ, आप आंसर दीजिए, 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन से हैं? मीन मोड मीडियन मीन मोड मीडियन मीन मोड मीडियन
जी अभी मुझे बताइए कि कौन से सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली वैल्यू ली जाती है? मोड मोड वेरी गुड। कौन सा? अभी ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे और जबरदस्ती आंसर नहीं देंगे, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ऐसा कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है जिसमें सारे नंबर्स का मैग्नीट्यूड लिया जाता है? वी टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल नंबर्स। ऐसा कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी है? वेटेड एवरेज, मीन। हम सारे नंबर्स को लेते हैं, मोड में एक ही लेते हैं जो सबसे ज्यादा बार आया, बाकी नंबर्स से हमको कोई लेना देना नहीं है। मीडियन में जो सबसे बीच में है वो नंबर ले लेते हैं, बाकी सब नंबर्स को छोड़ देते हैं, लेकिन मीन में सारे नंबर्स लिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीन इज द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल नंबर्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये ध्यान में रखिएगा। अभी मुझे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बताइए, चलिए चार बताइए कोई भी। मैडम रेंज, 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 क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, टाइल, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, डेसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और भी कई होते हैं लेकिन हम इतने ही स्टडी कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अगर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 100 है, ध्यान से सुनेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 100 है तो वेरिएंस कितना? 10 ये 10 मत करो भाई, सोचो तो सही पहले। स्टैंडर्ड डेविएशन 100 है, सॉरी मैम, स्क्वायर ऑफ 10,000, यस, 100 का स्क्वायर कितना होएगा? 10,000 ठीक है। अगर अगर वेरिएंस 144 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? 12। ये याद रखना है बेटा कि वेरिएंस बड़ा होता है, जैसे हम कंफ्यूज हो गए ना अभी अभी, तो ये याद रखना है कि वेरिएंस बड़ा वाला नंबर होता है, ठीक है? वेरिएंस मतलब बड़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब छोटा, ठीक है? अभी आगे हम चलते हैं। अगर सपोज मैंने आपको बोला कि मैंने एक पूरे ग्रुप को 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो कौन सा स्केल हम यूज करेंगे? कौन सा स्केल यूज करेंगे? नॉमिनल स्केल, वेरी गुड, डेसाइल, डेसाइल, वेसाइल, क्या स्केल का नाम है क्या डेसाइल? मैंने स्केल पूछा ना, स्केल चार ही है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो जब हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं किसी भी ग्रुप को, कैटेगोरिकल डेटा होता है, तो हम नॉमिनल स्केल यूज करते हैं। नॉमिनल स्केल, वेरी गुड। अगर हमको रैंकिंग करना है तो कौन सा स्केल? ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल। अगर हमको, अगर हमको एज गिनना है, एज, तो कौन सा स्केल? रेशियो स्केल। हाँ बेटा, वेरी गुड। अभी मैं आपको एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रही हूँ, आपको बताना है उसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है? एज द एज ग्रोज, एज द एज ग्रोज, द कलर ऑफ हेयर टर्न्स ग्रे। एज द एज ग्रोज, द कलर ऑफ हेयर टर्न्स ग्रे। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा? एज इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एज इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरी गुड। तो एज ऑफ हेयर इज डिपेंडेंट, शाबाश, वेरी गुड। तो अभी तक हमने क्या देखा? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, डिस्पर्शन के हमने सारे देख लिए, स्केल्स को रिवाइज किया, वेरिएबल्स को रिवाइज किया, डेटा को रिवाइज किया। अभी हम लोग बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर मैंने बोला कि स्क्यूनेस निगेटिव है, अगर स्क्यूनेस निगेटिव है तो टेल कौन सी साइड में रहेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड टेल, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। So, अगर नेगेटिव स्क्यूड है तो लेफ्ट टेल इज लॉन्गर, अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो राइट टेल इज लॉन्गर, वेरी गुड। अगर मैंने बोला कि डिग्री ऑफ पीकेडनेस है, डिग्री ऑफ पीकेडनेस की बात कर रहे हैं, तो स्क्यूनेस आएगा या कर्टोसिस आएगा? कर्टोसिस। अगर मैंने बोला स्क्यूनेस और कर्टोसिस दोनों जीरो है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वेरी गुड। उसके बाद
अगर मैंने बोला कि हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है मीन वन इज लेस देन मीन टू, तो नल हुआ या ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट 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 डायरेक्शनल हुआ या नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल डायरेक्शनल वन टेल डायरेक्शनल डायरेक्शनल वन टेल वन टेल डायरेक्शनल. अगर मैंने बोला नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल वाला नॉन डायरेक्शन, टू टेल नॉन डायरेक्शन, टू टेल टेल नॉन डायरेक्शन, टू टेल नॉन डायरेक्शन. बिल्कुल बढ़िया, पक्के हो गए आप लोग तो सारे. अभी सब लोग म्यूट कर लीजिए, सब म्यूट कर लीजिए. अब मुझे 5 मिनट का मैं आपको टाइम दे रही हूँ. जितना भी हमने डिस्कस किया, किसी को कोई परेशानी है, कोई डिफिकल्टी दिमाग में आती है तो मुझे पूछिए. कल हम लोग अनोवा और काई स्क्वायर करने के बाद पूरा रिवाइज करेंगे, एमसीक्यूज को भी 2 बार रिवाइज करेंगे और फिर एंड करेंगे. लेकिन आज कुछ ऐसा रह गया है बेटा, मैंने कोशिश तो पूरी करी है सिंपल तरीके से आपको बताने की, लिखवाया भी सारा है, उसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो अभी आप पूछ डालिए, फटाफट पूछिए. किसी को कुछ पूछना है तो फातिमा मैम, माधव, अंजलि, पूजा, कृष्णप्रिया लोग बोल रहे थे, किसी को कोई परेशानी है बेटा? मैम वो आपने जो पहला न्यूमेरिकल कराया था एज वाला, उसमें अज्यूमिंग सेम वेरिएंसेस था, तो एक अज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंसेस का भी है ऑप्शन एक्सेल में, उसमें क्या होता है फिर? उसमें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपको पहले से मालूम होता है बेटा, जैसे कि कोई रिसर्चेस हैं उसमें हम बोल रहे हैं कि ह्यूमिडिटी humidity is higher in one particular tropical region, so we already know ki higher hai, to hum alternate hypothesis assume karke jab chalte hain to hum fir usko lete hain. Okay, to wahan pe jo ek tha jahan pe zero liya tha wahan pe alternate mein kya lena padega fir? Wo nahi bolega beta, it will not ask you for that. Okay, wo puchega hi nahi. Nahi. Okay, theek hai. Aur kisi ko kuch puchna hai? Fatima ma'am, is everything written clearly in your notebook, whatever I have dictated today? Yes ma'am, it's written. Okay, so beta, ek minute, literature wale jo bhi log hain, agar aap kuch miss kar gaye ho, jo aapka kuch likhna nahi hua ho, to aap us particular question ka photo Fatima ma'am se maang sakte ho, wo aapko WhatsApp kar denge. Lekin pura pura scan karke wagera nahi bhejte baithenge, kyunki ye aapka responsibility tha likhne ka. Koi kuch chhoot gaya ho to theek hai, aap unse help le sakte ho. और किसी को कुछ बोलना है? हेलो, हां मैम. हां पूजा बोलिए. मैम मोस्टली टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट, दैट इज एनोवा इज डन फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस. थोड़ा जोर से बोलेंगे बेटा. मैम मोस्टली जो होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए टी टेस्ट, साई स्क्वायर टेस्ट एंड एनोवा इज ओनली द टेस्ट व्हिच आर रेगुलरली यूज्ड फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस. It's not about regularly used. It's about your research question. आप कर क्या रहे हो? There are more than 10,000 tests. आपके syllabus में यही है बेटा. मतलब I don't remember in my career of last 20 years कि मैंने ये test कभी भी use करे हो. Okay. ठीक है. It is in your syllabus. These are the commonly studied tests. Commonly used नहीं होता है. Research question पे depend करता है. Generally comparison of means तो बहुत ही कम ही लोग कर रहे होते हैं. Cause and effect study ही ज़्यादा कर रहे होते हैं. या फिर there are so many other tests, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही वाले use होते हैं. आपको पढ़ना यही वाले हैं. ठीक है. और कुछ? हेलो मैडम. हाँ बेटा. आप बताइए null hypothesis मतलब क्या exactly? Zero. Null मतलब zero. Null मतलब void, खाली. इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं हम मान के चल रहे हैं कि सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है उसमें. तो नल का बेसिक मीनिंग जीरो होता है. ओके, मतलब अपन कह सकते कि ये स्टैंडर्ड, ये ऐसा ही आएगा, आइडियल केस. नहीं नहीं नहीं, नॉट आइडियल. यू कैन नॉट कॉल इट आइडियल और स्टैंडर्ड. इट इज सिर्फ अगर देखिए, मैं आपको एक बहुत सुंदर एग्जांपल देती हूं इसका. सभी बच्चे ध्यान से सुनिए. टाइप्स ऑफ रिसर्चेस होती ना अलग-अलग. एक हुआ कि आप सपोज जंगल में जा रहे हो, आपने कभी नहीं गए उस जंगल के अंदर, आपको कुछ भी मालूम नहीं है उस जंगल के बारे में, इंटरनेट पे भी कभी कुछ भी नहीं मिल रहा है,
कुछ भी नहीं, आपको पता ही नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो आप अज्यूम करके जा सकते हो क्या कि शेर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा और अंदर बढ़िया सा होटल रहेगा, हम लोग अच्छे से खाना वाना मिल जाएगा, बिना पानी खाने के चले जाएंगे, ऐसा होएगा क्या? नहीं, नहीं, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं है बाबा, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम ही नहीं कर सकते कुछ भी, तो हम तो ज्यादा तैयारी से जाएंगे। आपके 3 साल के छोटे से बेबी को लेके जाओगे क्या उधर? नहीं लेके जाओगे, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। दूसरा केस ऐसा है कि आपको जंगल के बारे में सब पता है, आपको पता है वहाँ एमटीडीसी का रिसोर्ट है, आपने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है, वहाँ पे जंगल सफारी है, वहाँ पे कार्स हैं, सब कुछ है, अंदर फैसिलिटीज हैं, तो आपको सब मालूम ही है, तो आप अज्यूम करके जाओगे कि जो आपके इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोगों के रिव्यूज हैं, वो सच हैं। आपको आपने 50 रिव्यू पढ़े, सबने बोला खाना बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही बढ़िया है, तो आप अज्यूम करके चले गए कि खाना तो बढ़िया मिलता है अंदर। पता चला पहले ही दिन कुक चेंज हुआ है, खाना अच्छा नहीं मिला आपको, आपका अजम्पशन था कि खाना अच्छा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं मिला, तो हम टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा ना जो आपने अज्यूम करा था वो सही है या गलत है। तो नल हाइपोथेसिस में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई दो फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, तो दोनों फॉरेस्ट में खाना एक जैसा मिलता है, ये हमारा अजम्पशन था नल हाइपोथेसिस में। रिव्यूज के ऊपर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बन सकता है कि किसी के रिव्यूज ज्यादा अच्छे हैं, किसी के रिव्यूज कम अच्छे हैं, तो हमको पहले से पता है कि वो वाला ज्यादा अच्छा है। इट्स नॉट एन आइडियल केस, इट्स ओनली अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू ऑलरेडी हैव, जिस पे बेस्ड आप अपना हाइपोथेसिस बना रहे हो। बेटा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा भी है, बट इट नीड्स टाइम टू एक्सप्लेन। आप लोग का ये जो 6 घंटे का है ना, जिसमें सारा कुछ पढ़ा देना है, यस सर, तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आई होप कि मैंने थोड़ा कुछ आइडिया आपको दे पाई। यस और मैम, कुछ किसी यस, को वेरी पूछना गुड है? हेलो एग्जांपल दैट यू हैव हेलो टोल्ड मैम, अस। हाँ बेटा, थैंक यू मैडम। हेलो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल एज यू एक्सप्लेन, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड मॉडरेटिंग। सो मैम प्लीज हाँ, एक्सप्लेन सम एग्जांपल्स ऑफ मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। मॉडरेटिंग मैंने जैसे आपको बताया ना कि ज्यादा अच्छी पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, ये हमारा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट था। हमने बोला कि वहां पे तो शोर मचा दो, डीजे बजा दो, अब देखो मार्क्स आते कि नहीं आते, तो जो ओके शोर ओके था वो हो गया आपका मॉडरेटिंग। दूसरा केस ऐसा ले लो कि हम बोल रहे हैं कि सैलरीज बहुत अच्छी हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी वजह से सैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है एम्प्लॉयज में, वी आर कनेक्टिंग सैलरी टू सैटिस्फैक्शन, लेकिन अब क्या हुआ, बॉस चेंज हुआ है, इतना खड़ूस आया है, इतना परेशान कर रहा है जबरदस्त, कि अब ऐसा लग रहा है कि सैलरी भी बेकार ही है, मतलब इतना इतना खून चूस करके तो इतनी सैलरी भी कम ही पड़ रही है। सो अब जो नेचर ऑफ बॉस है वो हो गया हमारा मॉडरेटिंग वैल्यू वेरिएबल, यस 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 ओके, है ना? थैंक यू मैम। बस और कुछ भाई, कोई बॉस होंगे तो बुरा मत मानना बाबा, आप लोग सब अच्छे हो, और पीएचडी के गाइड जो हैं आपके, उनके लिए भी बहुत अच्छा सा गाना बता देती हूँ मैं आपको, सब लोग ध्यान रखिएगा, फिर हम क्लास क्लोज करते हैं। जो भी पीएचडी का गाइड हो, जितना भी प्यारा हो, जितना भी खड़ूस हो, एक ही गाना है, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, तुमको हो पसंद जो वही बात कहेंगे, तो ये एकदम गुरु मंत्र मान के पीएचडी फटाफट निपटा लीजिए, बढ़िया डॉक्टर बन जाइए, आर्ग्यू मत कीजिए, शांत रहिए। आवाज तो आ रही बेटा आपकी, जो भी बोल रहा है। थैंक यू सो मच मैम, यू टॉट अस चलो वेरी नाइसली। प्रीति मैम हम एंड करें थैंक यू क्या वेरी आज मच मैडम। यस मैडम, यहाँ पे रुकते हैं अपन, कल आगे का कंटिन्यू करेंगे मैम, क्योंकि आज के लिए इतना काफी है। ओके ना, चलो बाय बाय। ओके मैडम, बाय मैडम, टुमारो ओके मैडम, 30 to 1:30। थैंक यू मैम, बाय। ओके थैंक यू, बाय। बाय। सो थैंक यू मैम। नाउ वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल मीट एट 2 PM। जल्दी हो गया है अपना, जल्दी स्टार्ट करने हैं सेमिनार, 1:30 वगैरह चलेगा आप लोगों को, बाकी पार्टिसिपेंट्स? यस मैम चलेगा। ओके मैम। ओके, जस्ट चलेगा मैम, चलेगा मैम, लेट मी आस्क रिसोर्स पर्सन इफ शी कैन जॉइन, जस्ट अ मिनट। बाकी लोग लीव करिए, जिनका सेमिनार नहीं है आप लंच करिए तब तक, एक मिनट। हाँ
फ्रेंड्स मैडम फोन नहीं उठा रहे, तो अपन 1:45 बजे चालू करते हैं सेमिनार, ठीक है? सो टेक योर लंच, वी विल बी एट 1:45. ओके ओके मैम.